इंडिया का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1257 किलोमीटर लंबा। ये देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक होगा 80,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बनेगा और 4 स्टेट से होता हुआ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। 4 से 6 लेन चौड़ा फुली कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जो कि रीजन की मेजर ऑयल रिफाइनरीज और मेजर पोर्ट्स को भी कनेक्ट करेगा। ये अमृतसर और जामनगर के बीच डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम दोनों कम कर देगा, डिस्टेंस 150 किलोमीटर से और ट्रैवल टाइम 9 घंटे से। बनने के बाद ये देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद। प्रेजेंट में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं है पंजाब और गुजरात के बीच जो मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हो। ज्यादातर एग्जिस्टिंग हाईवे सिंगल लेन है एक डायरेक्शन में, जिनमें बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं, जैसे कि टाउन्स, इंटरसेक्शन और स्लोअर स्पीड्स, जो कि ट्रैवल टाइम को बहुत बढ़ा देते हैं। प्रेजेंटली जो रूट है अमृतसर और जामनगर के बीच वो कई हाईवे से मिलकर बना है, जैसे NH54, RJSH7, NH58, 62, 27, GJSH41 और NH947। इस रूट की एवरेज स्पीड है 55 किलोमीटर पर आर, जिसको ट्रैवल करने में 26 घंटे लग जाते हैं नॉनस्टॉप। बिजनेसेस और लॉजिस्टिक कंपनीज जो कि प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डील करते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है इसकी वजह से। इनके नियरेस्ट जो मेजर पोर्ट्स हैं वो हैं दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कंडला में और मुंद्रा पोर्ट, जो कि दोनों गुजरात में आते हैं, एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर। इस एक्सप्रेसवे की ज़रूरत पड़ी फ्रेट मूवमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने के लिए। इस पूरे एक्सप्रेसवे को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जाएगा, जिनमें नई फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेज और पूरी इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, बीच में कुछ रेजिडेंशियल कॉलोनीज के साथ। इसको मेजर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज आती हैं, जैसे HMEL भटिंडा, HPCL बारमर और RIL जामनगर। बारमर रिफाइनरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। रिफाइनरीज रेगुलरली क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं, जिससे ये एक्सप्रेसवे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा उनके फंक्शन के लिए। इसके अलावा इसको भटिंडा के पास गुरु नानक देव थर्मल प्लांट से भी कनेक्ट किया जाएगा और श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के साथ भी। ये एक्सप्रेसवे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी साबित होगा बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से, क्योंकि इसमें तेजी से ट्रूप डिप्लॉयमेंट की जा सकती है इमरजेंसीज और वॉर लाइक सिचुएशंस में। इंडस्ट्रीज के अलावा ये एक्सप्रेसवे इंडिया के सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेंटर्स को भी कनेक्ट करेगा, जो कि पंजाब और हरियाणा में आते हैं। इनसे फूड और डेयरी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। फ्रेट ट्रक्स जो कि और एफिशिएंटली ट्रैवल कर पाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में 30-40% की कॉस्ट और टाइम सेविंग होगी। इससे और नए बिजनेसेस उभर के आएंगे, जिससे लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और रीजनल इकोनॉमी डेवलप होगी। लुधियाना, भटिंडा और बद्दी वाली इंडस्ट्रियल बेल्ट के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा स्पर्स की मदद से, और साथ ही नए अप्रूव्ड दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के साथ भी लिंक किया जाएगा, जो कि इसे डायरेक्ट एक्सेस दे देगा जम्मू कश्मीर के साथ। ये एक्सप्रेसवे ट्रांस राजस्थान रूट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसकी आधी से ज्यादा लंबाई स्टेट के अंदर आएगी। इससे राजस्थान के अंडर डेवलप्ड रीजन्स को भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, स्पेशली मारवाड़ रीजन को। इस रीजन के अंदर जोधपुर, बारमर, नागौर, पाली और सीकर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की अलाइनमेंट ट्रांस हरियाणा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सिमिलर है और इनका पर्पज भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अपने नॉर्थ एंड में यह एक्सप्रेसवे नए प्रपोज लुधियाना भटिंडा अजमेर एक्सप्रेसवे से मिलेगा भटिंडा के पास, जो कि बड़े पठानकोट अजमेर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट होगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का पार्ट है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बनवा रही है। इसकी टोटल कॉस्ट है 80,000 करोड़ रुपए, जिसको पार्टली फंड कर रही है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बाकी कॉस्ट लोन लेके पूरी की जाएगी। NHAI अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च कर रहा है, जो कि नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने में मदद करेगा। ये ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगा, जिसमें कई छोटे और बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे पूल करके हाईवे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। इससे पहली बार आम आदमी डायरेक्टली हाईवे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर सकेगा और उसे रेगुलर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। इस एक्सप्रेसवे को टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर ऑपरेट किया जाएगा और उम्मीद है कि ये इन्वेस्टमेंट सारी कवर हो जाएंगे टोल से अगले 15-20 सालों में। इस मॉडल के अंदर हाईवे के टोलिंग राइट्स किसी प्राइवेट कंपनी को ऑक्शन कर दिए जाते हैं कुछ अमाउंट के लिए, और जो भी प्रॉफिट होता है टोल कलेक्शन पर वो कंपनी अपने पास रख सकती है। NHAI के अकॉर्डिंग अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो इसे और भी हाईवे प्रोजेक्ट्स पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और हाइब्रिड एन्युइटी मोड, ये दोनों मॉडल्स भी रेगुलरली यूज करती है NHAI। इस एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड सेक्शन की कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू हो गई थी हरियाणा और राजस्थान में, और पूरा होने की उम्मीद है अगले साल सितंबर 2023 तक। NHAI ने टारगेट रखा है कंस्ट्रक्शन 2 साल में कंप्लीट करने का, और बनने के 5 साल बाद तक उस पैकेज की मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। टोटल 1257 किलोमीटर में से 915 किलोमीटर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर बनाए जाएंगे
और बाकी रूट एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज को अपग्रेड करके। आजकल NHAI ज़्यादातर नए एक्सप्रेसवेज बनाने के लिए ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का यूज़ कर रही है पुराने हाईवेज़ को अपग्रेड करने के बजाय। इसके दो कारण हैं। पहला कि एग्जिस्टिंग हाईवे के आसपास का लैंड एक्वायर करना ज़्यादा महंगा पड़ता है रिबन डेवलपमेंट की वजह से। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है एग्जिस्टिंग हाईवेज पर, क्योंकि रोड्स को ज़्यादा देर के लिए बंद नहीं कर सकते ट्रैफिक के लिए, इसलिए ग्रीनफील्ड सेक्शंस बनाना ज़्यादा चीपर और कन्वीनियंट होता है। इसके अलावा कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवेज बनाने के लिए सारे इंटरसेक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, जो कि ग्रीनफील्ड सेक्शंस में करना आसान होता है। प्रेजेंटली इंडिया में कार्गो व्हीकल्स एवरेज में 400 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं हर रोज, जो कि 50% कम है ग्लोबल स्टैंडर्ड से। इसलिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है अगर ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट करना है तो। पूरे एक्सप्रेसवे को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 5 ग्रीनफील्ड और 3 ब्राउनफील्ड सेक्शंस। ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में शुरू होगा टिब्बा विलेज के पास से अमृतसर सिटी से 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से मिलेगा, जिससे कम्यूटर सिटी तक जा पाएंगे। ये पूरा ग्रीनफील्ड सेक्शन होगा जो कि मोगा के ईस्ट से पास करेगा और यहीं पे NH5 से भी कनेक्ट होगा। भटिंडा के पास लुधियाना का स्पर भी इसे लिंक किया जाएगा। आगे ये भटिंडा के साउथ ईस्ट से होता हुआ जाएगा, जहां ये NH54 से मर्ज हो जाएगा सिटी के साउथ में। यहां पर 155 किलोमीटर लंबा पहला सेक्शन खत्म हो जाएगा। इसके आगे ब्राउनफील्ड सेक्शन शुरू होगा, जिसमें NH54 को अपग्रेड करके एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके दोनों साइड सर्विस रोड्स भी होंगी। यहां इस एक्सप्रेसवे की एंट्री हरियाणा में हो जाती है पंजाब से निकलकर। आगे चौटाला के पास एक्सप्रेसवे NH54 से डाइवर्ज हो जाएगा और यहीं पर दूसरा सेक्शन भी खत्म हो जाएगा 85 किलोमीटर लंबा। इसके आगे एक और ग्रीनफील्ड सेक्शन शुरू होगा और यहां से इसकी एंट्री राजस्थान में हो जाएगी। आगे चलते चलते ये बीकानेर के ईस्ट से गुजरेगा 25 किलोमीटर दूर और यहीं पर ये NH11 से भी कनेक्ट होगा। थोड़ा आगे जाकर ये रसीसर के पास NH62 से लिंक होगा और यहीं पर थर्ड सेक्शन भी खत्म हो जाएगा 252 किलोमीटर लंबा। राजस्थान के डेजर्ट में कई किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये जोधपुर से 45 किलोमीटर वेस्ट से होता हुआ जाएगा, जहां ये NH125 से लिंक होगा। यहाँ पर इसका 176 किलोमीटर लंबा चौथा सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। आगे बालोतरा के पास ये NH25 और NH325 से भी कनेक्ट होगा। रेगिस्तान में और कई किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये सांचौर में पहुंचेगा, जहाँ ये NH68 से कनेक्ट होगा उसके साउथ में। यहीं पर 209 किलोमीटर लंबा फिफ्थ सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। आगे ये NH68 के पैरेलल चलेगा, यहाँ गुजरात में एंटर करेगा और आगे मोता मेसारा के पास ये NH68 पर ही मर्ज हो जाएगा, जहां इसका 20 किलोमीटर लंबा ब्राउनफील्ड सेक्शन बनेगा। आगे थरात के पास ये फिर से डाइवर्ज हो जाएगा NH68 से, फिर इसका ग्रीनफील्ड सेक्शन चलेगा सांतलपुर तक। यहीं पर एक्सप्रेसवे का छठा सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। आगे इसका ब्राउनफील्ड सेक्शन शुरू होगा, जिसमें ये NH27 के साथ चलेगा। सामख्याली में इसको NH41 से भी कनेक्ट किया जाएगा, जहां से ट्रक्स एग्जिट ले पाएंगे पोर्ट्स में जाने के लिए। NH41 दोनों मेजर पोर्ट्स को सर्व करता है, मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट। आगे मालिया के पास एक्सप्रेसवे NH27 से निकलकर NH151A पर मर्ज हो जाएगा। यहीं पर इसका 7th सेक्शन भी खत्म हो जाएगा 124 किलोमीटर लंबा। यहां से एंड तक ये ब्राउनफील्ड सेक्शन ही चलेगा NH151A के साथ। रास्ते में कई स्टेट हाईवे से भी कनेक्ट होता हुआ जाएगा जामनगर में खत्म होने से पहले। ये लास्ट सेक्शन 131 किलोमीटर लंबा होगा। ये पूरा एक्सप्रेसवे ऐसा दिखेगा, जिसमें आधी से ज्यादा लेंथ राजस्थान में आती है 637 किलोमीटर, गुजरात में 388 किलोमीटर, पंजाब में 177 और हरियाणा में 45 किलोमीटर आती है। अपने पूरे रूट में ये कई मेजर सिटीज के पास से गुजरेगा और सारे नेशनल हाईवे से कनेक्ट भी होगा। ज्यादातर लेंथ इसकी कंट्रोल्ड एक्सेस होगी, कुछ ब्राउनफील्ड सेक्शंस के पार्ट्स को छोड़कर। इसके अलावा एग्जिस्टिंग हाईवे जो पोर्ट्स तक जाते हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा और लुधियाना के पास पर रूट भी बनाया जाएगा। इसकी लैंड एक्विजिशन लेट 2020 में स्टार्ट हो गई थी, कंस्ट्रक्शन अर्ली 2021 में और सितंबर 2023 तक खुलने की उम्मीद है। खुलने के बाद ये एक्सप्रेसवे पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे, मारवाड़ रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और अंडर कनेक्टेड एरियाज को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और गुजरात की एग्रीकल्चर इकोनॉमीज को भी बहुत फायदा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।